ईमानदारी अभी भी जिंदा है इस बात की मिसाल सुंदरनगर के पुंग निवासी जसवंत सिंह ने दिखाई है। जसवंत सिंह ने लेदर व होलसेल व रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय करने वाले नेरचौंक के राजेंद्र कुमार उर्फ राजू को उसका 1.5 लाख रुपए का गुम हुए सामान से भरा नग लौटा दिया। हुआ यूं कि राजेंद्र कुमार के रेडीमेड गारमेंट सूट से भरा एक नग शिमला के लिए एक निजी बस के माध्यम से भेजा। जब वह बस सुंदरनगर से गुजर रही थी तो पुंग के पास गारमेंट से भरा हुआ ये नग गिर गया और जब इस बात की भनक राजेंद्र कुमार को लगी तो उसके पाँव तले जमीन खिसक गयी। लेकिन पुंग निवासी जसवंत सिंह ने यह नग लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। 3-4 दिन से हमारे व्यापारी भाई जीत लेदर और हमारे नेरचौक के एक व्यापारी भाई का नग गुलेरिया बस में अचानक पुंग में किसी कारण जो है वो सड़क के बीच में गिर गया। तो पुंग के हमारे एक व्यापारी हैं जिन्होंने अपने वो नग उठा के अपनी दुकान पर रखा, तो हमने फेसबुक पे भी डाला, अपने ग्रुप में भी डाला। तो आज हमारे व्यापारी भाई का नग जो है अपने व्यापारी भाई को मिल गया है, तो ये बधाई के पात्र हैं। बड़ी खुशी की बात है, ये जो सोशल मीडिया आज हमारे सामने आया है इसकी वजह से हमारा 1.5-2 लाख रुपए का जो हमारे व्यापारी भाइयों का सामान था आज इनको दिया गया। तो सुकेत व्यापार मंडल सभी व्यापारी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।